वहीं कोरोना संक्रमण के दौर में पटना के किलकारी बाल भवन के बच्चों ने एक अनोखी डिवाइस बनाई है। इस डिवाइस के इस्तेमाल से मास्क और सैनिटाइजर से आपको मुक्ति मिल सकती है। आपको बता दें कि यह डिवाइस 8 मीटर की दूरी से यह संकेत देने लगेगी कि सामने वाला बीमार है। हैरानी करने वाली बात तो यह है कि यह डिवाइस सिक्के से भी छोटा है। इस डिवाइस को 10वीं के अर्पित और 12वीं के अभिजीत ने एक थर्मल सेंसर प्रोटोटाइप तैयार किया है। इसके जरिए आप रेडियस में आने वाले संभावित कोरोना पॉजिटिव के बारे में डिवाइस संकेत देने लगेगा, जिससे आप कोरोना संक्रमित होने से बच सकते हैं। तो ये यहाँ पे इसका एक डिटेल एनिमेशन है, जिसमें कि इसमें कौन कौन सा पार्ट्स यूज हुआ है और उनका अरेंजमेंट किस तरह से इसके अंदर वो इसमें है। बाहर में इसका जो इंक्लोजर था वो था, और इसके अंदर जो हम लोग सेंसर और माइक्रोचिप इंटीग्रेट किए हैं, ये उसका सेटअप है। और साथ साथ जो बजट जो कि साउंड प्रोड्यूस करता है, एक सर्टन थ्रेशोल्ड टेम्परेचर क्रॉस कर देते हैं। खबर में आगे बढ़ते हैं। मधुबनी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। जिले के भैरव स्थान थाना की पुलिस ने NH-57 से भारी मात्रा में विदेशी शराब के साथ वाहन चालक और खलासी को गिरफ्तार कर लिया है। इस दौरान शराब तस्करी का मास्टरमाइंड पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। पुलिस ने बताया कि चालक की पहचान मधेपुरा निवासी विजय राम के रूप में हुई है, तो वहीं खलासी की पहचान सुपौल निवासी राजनंदन कुमार के रूप में हुई है। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन के आलोक में चेकिंग चल रही थी। इसी क्रम में प्रहलाद शर्मा, SI प्रहलाद शर्मा, जो भैरव स्थान थाना के अंतर्गत NH पर थे, और इनको गुप्त सूचना मिली कि कहीं से अवैध शराब का कंटेनर जा रहा है, और शक के आधार पर इन्होंने इस गाड़ी को रोका। और जब इसकी विधिवत तलाशी ली गई तो इसमें लगभग 3016 लीटर लीकर अवैध शराब, जो कि अरुणाचल प्रदेश का निर्मित है, वो पकड़ा गया। इसके साथ साथ दो लोग भी पकड़े गए हैं, जिससे पूछताछ की जा रही है, और साथ साथ जो हमारा साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन है, इस पर हम लोग की मधुबनी की खबर है, जहां विदेशी शराब जब्त हुआ है। शराब तस्करों के खिलाफ पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है, जिसके बाद यह सफलता हाथ लगी है।